नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अरुण जी, हमारे आरओ के एक बार फिल्टर वगैरह चेंज करवा दीजिए। बहुत टाइम हो गया आरओ के फिल्टर नहीं चेंज हुए हैं, और बारिश का मौसम वैसे चल रहा है, रेनी सीजन वैसे है, तो हम सोच रहे हैं एक बार फिल्टर वगैरह चेंज करवा दें, क्योंकि बारिशों के मौसम में पानी गंदा ही आता है तो बीमारी वगैरह फैलने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम इससे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये हमारे द्वारका के क्लाइंट हैं जिनके हमारी सर्विस जाती है, और ये आर ओ जो सर्विस हो रहा है बेसिकली एक कैंट ब्रांड का ये आर ओ है, अंडर सिंक मॉडल। और ये स्टेप्स इस इसमें तीन कैंडल्स लगी रहती हैं। ये देखिए सेडिमेंट फिल्टर का क्या हाल है, और इसके सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर इसमें चेंज किया जाएगा। लेकिन अरुण जी, हमें किसने बताया कि आपको कॉपर वाली कैंडल की जरूरत नहीं है? हाँ, आप एल्कलाइन फिल्टर ज़रूर लगा सकते हैं, तो आप इस बार सिर्फ एल्कलाइन फ़िल्टर ही लगवाइए, तो वही फ़िल्टर यहाँ लगाया जाएगा। तो फ़िलहाल कभी भी अगर आप सर्विस करते हैं तो अरुण जी फ़िल्टर वगैरह सारे चेंज कर दीजिए। कभी भी अगर आप सर्विस करते हैं तो दोस्तों एक बारी ये बोटल्स वगैरह को अच्छे से आपको धो लेना चाहिए साबुन वगैरह से, पानी से अच्छे से रिंस करके उसके बाद आप लगाइए, और पता चलता है भाई कुछ काम किया गया है। सर्विस का मतलब ही ये होता है कि भाई एक बार अच्छे से फ़िल्टर वगैरह बोटल्स वगैरह इसकी साफ़ किया जाए, और कपड़े से इसकी मशीन को पूरा साफ़ किया जाए। तो ये हमारे जो टेक्नीशियन है ये इस आर ओ को सर्विस कर रहे हैं बढ़िया से। पहले एक बार बोटल्स वगैरह को वॉश करने के बाद इसे सुखा लें, देन इसके बाद इसमें स्पन फिल्टर और सी टी ओ लगाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं नीचे ये हमारा आर ओ पड़ा हुआ है। अब ये मैडम कह रही हैं कि हमारा ये फोरसेट भी एक बारी चेंज हो चुका है। आ जाती है दिक्कत ज़्यादा टाइम फोरसेट को हो जाता है। तो ये देखिए स्पन फिल्टर वगैरह लगाए जा रहे हैं। आप भी अगर आर ओ की सर्विस करते हैं तो इसी टाइप से, अगर यही मॉडल आपके यहाँ लगाए या इस टाइप का कोई मॉडल लगाए, तो आप जिस टाइप से हम सर्विस कर रहे हैं, हमारे पर्सन आप देख सकते हैं कि कैसे सर्विस की जा रही है एक बार बढ़िया से। और दूसरी बात, बोटल्स वगैरह लगाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक बार इसे अच्छे से टाइट कर दें और लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीकेज आती है तो बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो कोशिश यही करें कि बोतल को अच्छे से टाइट कर दें, और इसमें एयर वगैरह जो रहती है उसे निकाल लिया जाए, देन उसके बाद इसे कनेक्ट किया जाए, प्रॉपर वे में चलाया जाए, क्योंकि कई बार इसमें एयर लॉक होने के भी चांसेस रहते हैं। इस मॉडल में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि एक तो स्पेस की यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऊपर स्पेस नहीं है, और दूसरा मैडम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसे ध्यान से करें, और एक बंदे को अगर ये करना पड़े और इस टाइप से निकाल के करना पड़े तो अब बोटल्स इसकी स्लिप होती हैं, और ये रखा रहता है आर ओ, ये रखा हुआ आर ओ हैंग नहीं किया गया ये सिंक के नीचे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है अगर कंजस्टेड स्पेस होता है तो। इस टाइप से थोड़ा अब जुगाड़ तो लगाने पड़ते हैं कि हाँ भाई किस टाइप से थोड़ा आर ओ को खोला जाए। तो ये फिल्टर्स वगैरह तो इसके चेंज हो गए हैं। अब इसके ऊपर पोर्शन पे आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन है, और इसमें जो भी मशीनरी ऊपर रहती है, अब इसमें कॉपर कैंडल अब मैडम नहीं लगवाना चाहती हैं, क्या इनका कहना है कि सिर्फ एल्कलाइन कैंडल ही लगाइए। एज यू विश, जैसी हमारे क्लाइंट की इच्छा वैसे लगाया जाएगा फिल्टर इसमें। तो ये ऊपर का पोर्शन खोल लिया है, और इसमें जो है एल्कलाइन फिल्टर लगाया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है, हमारे जो एनआरबी और एचपी के बाद जो कनेक्शन रहते हैं उसमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ से कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा आर ओ रिपेयर करें जो कि अंडर सिंक मॉडल है, स्पेशली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनआरवी और एचपी से पहले 1% फिर भी लीकेज चल सकती है, लेकिन उसके बाद अगर लीकेज होती है तो हमारे आर ओ में प्रॉब्लम आती है, आर ओ हमारा सही से काम नहीं करता, ऑन ऑफ होगा, सही से ऑफ नहीं होगा। तो ये बात ज़रूर आप हमारी अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। तो ये खोल लिया गया कॉपर कैंडल। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में पहली बार हैं आप तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आज नहीं तो कल आपको यह चैनल काम आने वाला है,
और आपके नॉलेज की हम लोग जो हैं, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़े, आरओ के बारे में अपनी वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जब उससे बेनिफिट ये रहेगा, जब भी हम डेली अपनी वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको सारी वीडियो हमारी मिलेंगी। एक एक बारीकी हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि डोमेस्टिक आरओ जो रहते हैं उनमें आपको बताएं किस टाइप से हैंडल करना है आपको। तो ये हमारा लगभग आरओ रेडी हो गया है, बस इसमें एक ये फिल्टर, एल्कलाइन फिल्टर, वो भी फुल साइज़ का, इसमें एल्कलाइन फिल्टर लगाया जा रहा है जो कि पानी का पीएच बहुत बढ़िया मेंटेन करेगा। अरुण जी, हमें बेनिफिट तो हुआ है, जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो रहती थी गैस या एसिडिटी की, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये बात तो हमारी खुद की आजमाई है, क्लाइंट तो खैर क्या बताएंगे, हमारी खुद की आजमाई है, हमारी मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अच्छे रिव्यू रहते हैं एल्कलाइन जो फ़िल्टर लगाते हैं हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह हैं उनके। तो यही स्टेप से इसके पाइपिंग वगैरह सारी कनेक्ट अच्छे से कर ली जाएगी। तो ये सारा अब इसके बाद ऊपर कवर लगाया जाएगा, देन उसके बाद इसे वापस इस ड्रॉर के अंदर फिट किया जाएगा। थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।